हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेनिया प्लेटफॉर्म। आई एम रितिका। सो वी वर डिस्कसिंग कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड RCC। टुडे वी विल कंटिन्यू दैट। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी मेनिया प्लेटफॉर्म एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज। सो जब हम प्री स्ट्रक्चरिंग कंक्रीट पढ़ते हैं या फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है कि जब हम कॉन्क्रीट को बनाते हैं उसमें वाटर भी ऐड करते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वाटर का नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि जब मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए वाटर की ज़रूरत होता है कि नहीं। तो उस तो जैसे होता क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होता है मॉइस्चर, मतलब कि एक्चुअली होता क्या है कि अगर कंडीशन ऐसा आ जाए कि टेम्परेचर के पर ज़्यादा आ जाए, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है मॉइस्चर जो होता है वो इवोपरेट होने लगता है, जिसकी वजह से श्रिंक होने लग जाते हैं कॉन्क्रीट। ओके, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। सो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज होता है वो 3×10^-4 होता है। देन कोल्ड ड्रॉन वायर्स आर हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, और देखिए जो कोल्ड ड्रॉन वायर्स होते हैं, ओके, सो जो होते हैं वो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत हाई होता है। ओके, देन इन कॉन्क्रीट यूज ऑफ द एंगुलर एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ नेचुरल एग्रीगेट्स अफेक्ट द फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस विथ एज, ओबियसली, क्योंकि जितना भी वैल्यू आएगा वो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है कॉन्क्रीट की, राइट। तो जो रेशियो होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। देन फाइन एग्रीगेट का जो ग्रेडिंग होता है वो चार जोन में होते हैं। और वैसे मुझे पता है कि जब हम सीव एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले 10 मतलब कि जो साइज ऑफ दी सीविंग करते हैं ना फाइन एग्रीगेट के, जैसे कि करते हैं 10 mm, उसके बाद 4.75 mm, उसके बाद 2.36 mm, उसके बाद 1.18 mm, उसके बाद 60 micron, उसके बाद आई थिंक 30 micron, देन 15 micron। तो ऐसे जब चलते जाते हैं ऐसे हमारा जो सीव का जो साइज़ होता है ऐसे सीव एनालिसिस करते हैं, और सीव एनालिसिस करते वक्त हमारा जो फाइन एग्रीगेट होता है उसे हम चार जोन में कैटेगराइज करते हैं। तो वही बोल रखा है कि फाइन एग्रीगेट को हम जो मतलब इसे जो ग्रेडिंग करते हैं वो चार जोन में होते हैं। ओके, देन एंड्यूरेंस लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील हम सबको पता है जिसका ग्रेड होता है Fe 250। एंड माइल्ड स्टील जो होता है उसका जो डक्टिलिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो हमारा जो माइल्ड स्टील होता है, ये माइल्ड स्टील जो होता है वो प्लेन बार होता है, ठीक है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस माइल्ड स्टील जिसका डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, देखा जाए तो एक्चुअली होता है रोट आयरन का डक्टिलिटी ज़्यादा, उसके नीचे होता है माइल्ड स्टील। होता क्या है कि रोट आयरन में कार्बन का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। ओके, बहुत कम मतलब कि सबसे पहला नंबर अगर हम जब हम वेरियस टाइप ऑफ स्टील को जब सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ जो होता है, सबसे प्योरेस्ट जो होता है वो होता है रोट आयरन। ओके, उसके बाद होता है माइल्ड स्टील, ठीक है। तो उसके बाद जो होगा तो रोट आयरन जो होता है उसका डक्टिलिटी एज़ कम्पेयर टू माइल्ड स्टील ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि उसमें कार्बन का अमाउंट ज़्यादा हो, और वैसे हम सबको पता है कि कार्बन का अमाउंट जिसमें जितना ज़्यादा होता है उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहता है, लेकिन डक्टिलिटी उस हिसाब से कम हो जाता है। ओके, देन साउंडनेस स्ट्रेस, तो हम साउंडनेस टेस्ट ऑफ दी गिव्स अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइंग ओनली। तो होता क्या है, हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं क्यों, वॉल्यूम चेंजेस। साउंडनेस का मतलब यह होता है कि मतलब कि उस कंक्रीट का कितना साउंडनेस, या फिर सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं, राइट, बाय द हेल्प ऑफ दी और
ली चैटलेयर अपैरेटस फॉर दी लाइम के लिए और मैग्नीशियम के प्रेजेंस को जानने के लिए ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं राइट। ऑटोक्लेव को हम लाइम एंड मैग्नीशियम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट जो करते हैं वो हम क्यों करते हैं? फ्री लाइम का क्वांटिटी जानने के लिए करते हैं, तो ली चैटलेयर अपैरेटस के मदद से हम करते हैं ओके। और साउंडनेस के मतलब क्या है? वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, एक कंक्रीट का या सीमेंट का वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम को जानने के लिए ही साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। वीपी टेस्ट जो होता है वो हम लो वर्कएबिलिटी के लिए करते हैं। मीडियम वर्कएबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0.9 होता है एंड 0.36 वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट का रहना चाहिए क्योंकि जिसके वजह से फुल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हो सके। तो जब हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि हम सीमेंट में वाटर को ऐड किए तो वहाँ से क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, जैसे जैसे हाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस वक्त क्या होगा, सीमेंट क्या होगा वाटर को यूज़ मतलब हाँ सीमेंट क्या होता है, वाटर को यूज़ करता है हाइड्रेशन प्रोसेस। उसके भी सीमेंट और वाटर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन हमारा चार बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसे जो होता है C3S, C2S, C3A एंड C4AF ओके। तो यही प्रोसेस होता है, उसके बाद वो सारे अपने काम करना शुरू कर देते हैं ठीक है, जिसके वजह जब राइट। वो कॉन्सेप्ट अलग है, सीमेंट के चैप्टर में सारा डिस्कस हो रखा है ओके। देन एडिशन ऑफ शुगर इज, तो एक बात है कि शुगर को हम कंक्रीट में क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो एक रिटार्डर के हिसाब से काम करता है ठीक है। जिप्सम जैसा एक रिटार्डर है, जैसे कि जब उसे हम कंक्रीट में ऐड कर देते हैं उसका सेटिंग टाइम जो होता है वो मतलब कि जितना जल्दी वो सेट होने वाला रहता है वो और लेट में सेट होता है धीरे धीरे, जिसके वजह से सेट लेट कराने का रीज़न क्या होता है कि हम कंक्रीट को बहुत ज़्यादा टाइम तक मिक्स कर सकते हैं, उसे आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसे आराम से प्लेसिंग कर सकते हैं ठीक है। सेटिंग करने का रीज़न यही होता है, सेटिंग को स्लोअर करने का रीज़न यही होता है कि वो जल्दी हार्ड ना हो जाए ठीक है। तो शुगर भी एक रिटार्डर के हिसाब से काम करता है, जो कि कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है उसको 4 आवर बढ़ा देता है, जितना मतलब कि जितने टाइम पे वो सेट होने वाला रहता है उसके 4 आवर बाद वो सेट होता है ओके। देन 7 डेज रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम क्यूरिंग ठीक है। तो क्यूरिंग एक प्रोसेस होता है कंक्रीटिंग में, जब भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें कि जब एक स्ट्रक्चर बन गया उसके ऊपर में पानी देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एक्चुअली क्यूरिंग प्रोसेस। देने का रीज़न क्या है, जब क्या होता है कि जब हम सीमेंट कंक्रीट में पानी मतलब जब हम कंक्रीट बनाते हैं ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर एडमिक्सर सारे मिक्स करते हैं, तो जब वाटर के साथ जब सीमेंट मिक्स हो जाता है तो कुछ रेडिएशन प्रोसेस होते हैं, उस रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो उस टाइम हीट जनरेशन होता है ठीक है। तो वो हीट जनरेशन होने की वजह से रिएक्शन के टाइम वाटर का लॉसेस हो जाता है। तो हम जब क्योरिंग करते हैं तो जो वाटर लॉसेस होते हैं वो सारे वाटर को अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग सारे पानी वाटर चले जाते हैं, जिसके वजह से वो पानी का कमी पूरा हो जाता है और वो क्योरिंग प्रोसेस इसलिए किया जाता है। तो मिनिमम डेज ऑफ द क्योरिंग जो होता है वो 7 डेज होता है। उसके बाद M20 ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट इज़ यूज फॉर द स्ट्रक्चर एक्सपोज टू सल्फेट अटैक। तो सल्फेट अटैक होने का रीज़न कहाँ पे होता है, सी वाला मराइन जगह में होता है, तो उस जगह में हम M20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं ठीक है, सल्फेट अटैक जहाँ हुआ। देन शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज पर IS 456/1978 इज़ रेक्टेंगुलर पैराबोलिक ओके। सो आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जब हम कंक्रीट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसका जो
अकॉर्ड मतलब कि उसका जो शेप होता है वो कुछ रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक होने का मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है वो सॉरी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है वो होता है पैराबोलिक एंड न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है वो होता है रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंग ये बोल रखा है अकॉर्डिंग टू आई एस 456 1978, बट अकॉर्डिंग टू आई एस 456 2000 के अकॉर्डिंग भी वही होता है। द पर्पोज ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट आरसीसी कॉलम इज टू अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो अब खुद हम इमेजिन कर सकते हैं कॉलम है उसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स दिए हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल बार क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बार मतलब कि एक्सियल लोड के को जो कोइंसाइड करेगा, मतलब कि उसके साथ पैरेलल, राइट। तो कॉलम जो है वो क्या होते हैं? लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं? बकल हो सकते हैं। तो उस बकलिंग को रोकने के लिए हम लैटरल टायर्स देते हैं उसके चारों तरफ, हेलिकल रेनफोर्समेंट देते हैं, तो वही होता है लैटरल टायर्स, ठीक है। या फिर स्क्वायर कॉलम के केस में भी देते हैं, ओके। देन साइड रेनफोर्समेंट, टी बीम जो होता है, टी बीम के केस में हम लैटरल रेनफोर्समेंट देते हैं कुछ, सॉरी नहीं, साइड रेनफोर्समेंट देते हैं। तो साइड रेनफोर्समेंट कब दिया जाता है? जब हाइट ऑफ द बीम जो है 750 mm से ज़्यादा हो जाए। तो 750 mm ज़्यादा हो जाने की वजह से हमें क्या किया करना पड़ता है? साइड रेनफोर्समेंट देना पड़ता है ताकि वो बकल ना हो जाए, राइट। 750 mm से ज़्यादा हो जाए तो मे बी बकल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? बकल हो सकता है या फिर और कुछ चीज़ों से टूट सकता है, क्रैकिंग आ सकते हैं, इसलिए हम साइड एनफोर्समेंट दे देते हैं। तो साइड एनफोर्समेंट जो दिया जाता है उसका भी कोई कोडल प्रोविजन दे रखा है, 0.1% ऑफ द टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द वेव, जितना वेव का एरिया होगा उसका 0.1%। तो ये 0.1% जो होगा दोनों तरफ, ठीक है, दो साइड के लिए 0.1%। अगर वो बोले रखा होगा वन साइड के लिए कितना होगा, एक ही साइड में प्रोवाइड करना है, तो 0.1% बाय टू, ठीक है, दो डिवाइड कर देंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हम नॉर्मली प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में के चैप्टर में ये वर्ड हम सुने होंगे, जिसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ स्ट्रेस ओके विथ टाइम एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेन, ओके। देन डीप बीम्स, तो हम जो डीप बीम्स डिज़ाइन करते हैं वो नॉर्मली बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए करते हैं, ओके, ओनली बेंडिंग मोमेंट। इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आर एज्यूम टू बी लीनियर, ओके। देन डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल, तो हम सबको पता है कि डिफ्लेक्शन एक टर्म होता है जो कि हमारे स्लैब्स में होते हैं, बीम में होते हैं, तो वो उसको कंट्रोल किया जाता है। वो कैसे कंट्रोल करते हैं? स्लैब बाय डेप्थ का रेशियो से स्पान बाय डेप्थ का रेशियो से लेके। तो हमारा तीन केसेस हम सबको पता होगा कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं, कैंटीलीवर सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस 7, 20 and 28 आई थिंक, तो ये तीनों केसेस आते हैं। तो लेकिन ये सब जो होते हैं वो ओनली अवेलेबल होते हैं ओनली फॉर 10 meter स्पैन के लिए, उससे ज़्यादा का स्पैन हुआ तो उसके लिए वैलिड नहीं होते, उसके लिए कुछ अलग फार्मूला यूज़ किया जाता है, ओके। देन मेन रेनफोर्समेंट हम देते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देते हैं। तो मेन रेनफोर्समेंट जो दिया जाता है उसके बीच में स्पेसिंग के लिए भी कुछ कोडल प्रोविजंस होते हैं, सब स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होते हैं, बीम कॉलम आरसीसी वॉल सारे के लिए अलग होते हैं। तो वो स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर वो स्पेसिंग सही नहीं हुआ तो क्रैकिंग आ सकता है, ओके। तो स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन लीड्स टू श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, ओके। देन ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्लैट स्लैब, तो फ्लैट स्लैब के बारे में बोलना चाहूँगी कि फ्लैट स्लैब जो होता है वो क्या होता है कि फ्लैट स्लैब जो होता है वो डायरेक्टली ही कॉलम में मोनोलिथिकली सपोर्ट करता है, ठीक है। उसमें हम कोई स्लैब के साथ कोई बीम नहीं देते हैं, ठीक है, स्लैब डायरेक्टली कॉलम के ऊपर में रेस्ट करता है। तो कॉलम के ऊपर में एक कॉलम जितना होता है उससे थोड़ा सा उसका विड्थ को एक्सटेंड करके थोड़ा मोटाई बढ़ा के एक जो होता है पोर्शन वो होता है कैपिटल, और उसके ऊपर में स्लैब के जस्ट नीचे एक पोर्शन होता है जो होता है फ्लैट ड्रॉप पैनल। जो ड्रॉप पैनल होता है वो शीयर
शीयर को रेजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लैट स्लैब वही होता है उस, मतलब वो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, बहुत ही अच्छा होता है प्रोवाइड यूज़ करने के लिए, बहुत ही सही रहता है। ठीक है, तो फ्लैट स्लैब जो होता है वो डायरेक्टली कॉलम के ऊपर में रेस्ट करता है, उसके लिए कोई बीम का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मोनोलिथिकली, लेकिन एक वर्ड है कि मोनोलिथिकली ये होता है। ठीक है, फ्लेक्सुरल फेल्यूर इन ओवर एनफोर्स्ड बीम इज़ ड्यू टू प्राइमरी कंप्रेशन फेल्यूर। ठीक है, देन हाँ ये मैंने बता रखा है कि RCC बीम में क्या किया जाता है, हाई साइड एनफोर्समेंट तब देते हैं जब हाइट जो है वो 750 mm से ज़्यादा हो जाए और जो साइड एनफोर्समेंट का वैल्यू होता है वो 0.01% ऑफ द टोटल वेव एरिया होता है। ओके, ये दोनों साइड का होता है, अगर वन साइड का निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और मेंशन करें कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। सो थैंक यू।